वेलकम बैक टू अनदर वीडियो द ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट। आज मैं बताने वाला हूं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जिससे कि आपकी कार की लाइफ बढ़ जाएगी और आपकी कार पर आपको मेंटेनेंस में कम खर्च करना पड़ेगा, साथ ही आपकी गाड़ी बेहतर माइलेज भी निकालेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल द ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जब भी आप सुबह सुबह गाड़ी को स्टार्ट करें तो लगभग 30-40 सेकंड के लिए अपनी गाड़ी को आइडियल पोजीशन पर खड़ी रहने दें। इसके बाद ही इंजन को एक्सीलरेट करें जिससे कि इंजन ऑयल गाड़ी के इंजन के सभी मैकेनिकल पुर्जों में पहुंच सके। गाड़ी के स्टार्ट होने के बाद एक नज़र इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर डालें। गाड़ी के वार्निंग इंडिकेशन को देखें कि कहीं MI लाइट या फिर कोई वार्निंग इंडिकेशन शो तो नहीं हो रहा है। अगर कोई अनवांटेड लाइट आपको शो होते हुए दिखाई दे तो तुरंत ऑथराइज सर्विस सेंटर पर जाकर इसे चेक कराएं। गाड़ी को चलाते समय एकदम से एक्सलेट कर ब्रेक न लगाएं। अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हैं तो एक सही स्पीड पर गाड़ी को चलाएं। गाड़ी को हमेशा सही गियर पर चलाएं और कभी भी गाड़ी चलाते समय हाफ क्लच ना दबाएं। बेहतर माइलेज पाने के लिए गाड़ी के इंजन RPM को 1500 से 2000 के बीच रखें। महीने में कम एक बार अपना इंजन कंपार्टमेंट ओपन कर ऑयल लेवल चेक करना चाहिए। ऑयल लेवल चेक करने के लिए ये सुनिश्चित करें कि आपकी गाड़ी का इंजन ठंडा हो। सबसे पहले डीप स्टिक को निकालें, इसके बाद डीप स्टिक को साफ कर वापस डालें और निकाल कर चेक करें। आपके डीप स्टिक में फ्यूल इंडिकेटर लो और हाई वाले कट के बीच में होने चाहिए। अगर इसके बीच में नहीं है तो गाड़ी के इंजन ऑयल को टॉप ऑफ करें। साथ ही एक नज़र गाड़ी के कूलेंट वाटर पर भी डालें, इसका भी लेवल मैक्सिमम और मिनिमम के बीच ही होना चाहिए। साथ ही ब्रेक फ्लूड को भी देखें, कहीं इसका रंग ज़्यादा डार्क तो नहीं है। अगर डार्क ब्रेक फ्लूड होता है तो इसमें इम्प्योरिटी होने की संभावना होती है। इसका लेवल भी मैक्सिमम और मिनिमम के बीच ही होना चाहिए। साथ ही अपने बैटरी टर्मिनल को भी देखें, कहीं उस पर इस तरीके का कोई इम्प्योरिटी तो नहीं जम गई। अगर इस तरीके की इम्प्योरिटी जम जाती है तो उसे तुरंत साफ करें, नहीं तो आपकी गाड़ी की बैटरी सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी। साथ ही गाड़ी की बैटरी के वाटर लेवल को भी चेक करें, पर इससे बड़ी सावधानी से करें। बैटरी के पानी में एसिड की मात्रा होती है जो कि आपके स्किन तथा गाड़ी के पेंट के लिए हानिकारक हो सकती है। अगर आपकी गाड़ी से ऑयल या कूलेंट लीक हो रहा है या फिर आपकी गाड़ी भूरे या काले रंग का धुआं दे रही है तो आपको तुरंत ही ऑथराइज सर्विस सेंटर पर जाकर अपनी गाड़ी का चेक कराना चाहिए। आपको हमेशा अपनी गाड़ी का टायर प्रेशर सही स्टैंडर्ड रखना चाहिए। स्टैंडर्ड टायर प्रेशर देखने के लिए अपनी गाड़ी के ड्राइवर साइड डोर के नीचे एक स्लिप लगी होती है जिसमें PSI में आपकी गाड़ी का स्टैंडर्ड टायर प्रेशर दिया होता है। साथ ही समय समय पर आपको अपनी गाड़ी का व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट भी करवाना चाहिए जिससे कि आपकी गाड़ी के टायर लंबे समय तक सही तरीके से चल सके। आपको कभी भी अपनी गाड़ी में घिसे हुए टायरों का उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे गाड़ी स्किड हो सकती है जो कि आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। गाड़ी को कभी भी गंदा ना रखें। अगर आपकी गाड़ी कीचड़ मिट्टी में हो गई है तो उसे तुरंत वॉश कराएं। धूल मिट्टी से आपकी गाड़ी की बॉडी में जंग आ सकती है। गाड़ी की विंडशील्ड को हमेशा सही कपड़े से साफ करें, न्यूज़पेपर के उपयोग से बचें। गाड़ी की वाइपर प्लेट अगर ख़राब हो गई है तो उसे तुरंत निकाल दें। पुरानी वाइपर प्लेट का इस्तेमाल करने से गाड़ी के विंडशील्ड पर स्क्रैच आ सकते हैं। हफ्ते में कम एक बार अपनी गाड़ी को चारों विंडो ओपन करके चलाएं ताकि आपको पता चल सके। अगर गाड़ी में कोई अनिबन आवाज़ आ रही हो तो तुरंत सर्विस सेंटर से संपर्क करें। रोड साइड मैकेनिकों से अपनी गाड़ी का चेकअप ना कराएं क्योंकि उन्हें इतना सर्विस सेंटर के मैकेनिकों जितना अनुभव नहीं होता। आफ्टर मार्केट इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज डलवाने से बचें, इससे आपकी गाड़ी में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अगर आप डलवाना ही चाहते हैं तो ऑथराइज सर्विस सेंटर के एसेसरीज डिपार्टमेंट से इन एसेसरीज को खरीद सकते हैं या फिर आप मार्केट में किसी ऑथराइज शॉप से जाकर एसेसरीज डलवाएं। धन्यवाद।